What the tech is going on, friends? मेरा नाम है विक इंडिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। इट्स एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी। तो बात है 20th मई की, जब अम्फान नाम के एक मैसिव साइक्लोन ने वेस्ट बंगाल को हिट किया था। और दोस्तों, चारों ओर से डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हुआ था। मुझे अभी भी याद है वो दिन। वो जो हवा की आवाज़ थी वो कुछ अलग ही लेवल की थी, अलग ही कुछ रोर था बोल सकते हो। और दोस्तों, उस वक्त बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, बहुत सारे जो मड हट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे। और दोस्तों, हमारे सिटी में चार या फिर पाँच दिन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं थी। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। और उस वक्त दोस्तों, कनेक्टेड रहने का ओनली वे था इंटरनेट और मेरा स्मार्टफोन। और तब जाके दोस्तों मुझे पता चला था पावर बैंक्स की सिग्निफिकेंस। मेरे घर में दो पावर बैंक थे और उन दोनों पावर बैंक के ऊपर डिपेंड करके मेरे पूरे फैमिली ने 3 स्मार्टफोन 4 दिन चलाया था। और मैं रियली ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी के पास एक पावर बैंक होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, रेडमी ने एक्चुअली शाओमी ने एक न्यू पावर बैंक लॉन्च किया है जिसका नाम है मी पॉकेट पावर बैंक प्रो। तो इसको दोस्तों आप इजीली आपके पॉकेट में कैरी कर सकते हो। और ये काफ़ी एक यूनिक पावर बैंक है दोस्तों, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही फास्ट भी आपके डिवाइस को चार्ज कर सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं इसका फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ, इसकी अच्छाई बुराई सब कुछ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर पहले से ही कर दिया है देन थैंक यू। तो ये रहा इसका बॉक्स, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है एक्चुअली। ऊपर देखिए 22.5 वाट फास्ट पावर डिलीवरी मेंशन्ड है। तो बॉक्स से पावर बैंक को बाहर निकालते हैं और साथ में ऑब्वियसली हमें एक मैनुअल भी मिल जाएगा। तो ये रहा पावर बैंक, जिसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं। और साथ में ऑब्वियसली हमें मिल जाएगा एक USB केबल, और ये टाइप सी USB केबल है। केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब चलिए पावर बैंक को भी चेक कर लेते हैं एंड लुक एट द साइज। बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है ये, और लाइट वेट भी है। इसके जो एजेस है दोस्तों, वो काफ़ी कर्व्ड है तो इजीली ग्रिप हो जाता है। ऊपर आपको एक टेक्सचर्ड पैटर्न में मिल जाता है, होल्डिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो ये रहे इसके पोर्ट्स, दो USB टाइप ए पोर्ट है, एक माइक्रो USB पोर्ट है और एक टाइप सी पोर्ट। इस बटन को सिंगल प्रेस करके आप इसका बैटरी लेवल भी चेक कर सकते हो। रिव्यू के शुरू में ही दोस्तों, मैं इसके बिगेस्ट एडवांटेज के मैं बात करता हूँ कि ये 22.5 वाट फास्ट चार्ज कर सकता है। यूजुअली इस रेंज में बाकी जो पावर बैंक्स होते हैं वो 18 वाट फास्ट चार्जिंग करते हैं, लेकिन ये 22.5 वाट फास्ट चार्जिंग कर सकता है। तो अगर कोई सपोर्टेड डिवाइस में आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये बाकी पावर बैंक से और भी फास्ट उनको चार्ज करेगा। नाउ अगर आप इस पावर बैंक को चार्ज करना चाहते हैं देन आप इधर टाइप सी पोर्ट या फिर माइक्रो USB पोर्ट, दोनों में से किसी का भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक 18 वाट चार्जर से इसको चार्ज करोगे देन फुल चार्ज होने में अराउंड 3.5 घंटा लग जाएगा, और अगर एक नॉर्मल 10 वाट चार्जर यूज़ करोगे देन आपका अराउंड 6 घंटा लग जाएगा। इस पावर बैंक की और एक अच्छी बात यह है कि आप इसकी मदद से 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हो। ऑब्वियसली उस समय जाके स्पीड डिवाइडेड हो जाएगा, बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन है देन आप तीनों डिवाइसेस को एक साथ इसके मदद से चार्ज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस फीचर के बारे में जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोस्तों USB पावर डिलीवरी या फिर PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो सपोर्टेड डिवाइसेस है जैसे कि मेरा iPad या फिर iPhone, MacBook, बहुत सारे लैपटॉप, उनको दोस्तों आप फास्ट चार्ज कर सकते हो एक Type-C to Type-C केबल के थ्रू। बाकी पावर बैंक अगर आप यूज़ करोगे देन दोस्तों वो फास्ट चार्ज नहीं करेंगे उन डिवाइसेस को, लेकिन इस पावर बैंक से दोस्तों आप उसको फास्ट चार्ज कर सकते हो बिकॉज ये PD चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। ये दोस्तों मेरे लिए स्पेशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट बाय द वे, याद रखना, इसके लिए आपको एक अलग से Type-C to Type-C केबल की ज़रूरत होगी, जिसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। गाइज, इसके अंदर करीब आपको 6 से 6.5 हज़ार mAh का कैपेसिटी मिल जाएगा। तो मॉडर्न स्मार्टफोन को आप एक बार से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो फुली, बट अगर 50-50 में है देन 2-3 बार भी चार्ज कर सकते हो। और ये कन्वर्शन रेट है दोस्तों, कोई भी 10,000 mAh का पावर बैंक 10,000 mAh ही आउटपुट नहीं देता है। ये पावर बैंक दोस्तों साथ में 12-लेयर प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, तो शॉक प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है जो कि सेफ्टी मेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्लो चार्जिंग मोड भी दिया गया है, तो अगर आप इस बटन को डबल प्रेस करेंगे देन स्लो चार्जिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आप अपने जो छोटे मोटे डिवाइसेस हैं, ब्लूटूथ एक्सेसरीज जैसे कि ईयरबड्स या फिर फिटनेस बैंड, उनको सेफली चार्ज कर सकते हो। एंड इट्स रिकमेंडेड मोड।
अब दोस्तों आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट में। तो इसकी प्राइस रखी गई है 1099 यानी कि 1100 रुपये। और 1100 रुपये में दोस्तों एक बहुत ही वर्सेटाइल डिवाइस है, आप मल्टीपल पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं, काफ़ी पोर्टेबल है, लाइट वेट है, फास्ट चार्ज कर सकता है। बस एक ही कमी मुझे इस डिवाइस में लगी कि इसके साथ जो यूएसबी केबल मिलता है, ये अगर मल्टी यूएसबी केबल होता तो बेटर होता, मतलब टाइप सी और माइक्रो यूएसबी एक साथ, तो तब जाके दोस्तों और बेटर हो जाता। तो ये मुझे एक हल्का सा कमी लगा, बट ओवरऑल दोस्तों करंटली इस प्राइस रेंज में तो ये बेस्ट आइटम ही लग रहा है। बट आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।